गाड़ी से दो खुदकुश जैकेट्स, हैंड ग्रेनेड और गोलियां बरामद हुई। मिलने वाला असलहा फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया है। जीआईटी रिपोर्ट में कोई दहशतगर्द साबित नहीं हुआ। गोली चलाने का हुक्म किसने दिया, तफ्तीश अभी जारी है। हाई कोर्ट में जमा कराई रिपोर्ट पर पुलिस अफसरान की ब्रीफिंग। गिरफ्तार किए गए अहलकारों की शनाख्त परेड नहीं हुई। जीआईटी ने खलील की शादी पर जाने की तस्दीक की। एजाज शाह ने गवाहान और फरीकैन को खुद सुना है। वाकये के रोज पुलिस वायरलेस की रिकॉर्डिंग भी हासिल कर ली गई। डीआईजी ऑपरेशंस पंजाब जवाहर डोगर, डीआईजी लीगल अब्दुल रब की ब्रीफिंग। साहिवाल ऑपरेशन के लिए सीटीडी को किसने भेजा, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। एसपी जवाद कमर ने ऑपरेशन का हुक्म दिया, सरकारी वकील। क्या वो एसपी गिरफ्तार है, अदालत। जिस अफसर ने ऑपरेशन का हुक्म दिया इसे मुअत्तल करके शामिल तफ्तीश किया गया है, सरबराज जीआईटी। इब्तदाई समाअत पर रिपोर्ट पेश न करने पर चीफ जस्टिस शदीद बरहम। मोहलत के बाद एजाज शाह ने रिपोर्ट पेश कर दी। अगर किसी ने रिकॉर्ड में तब्दीली की तो सबके सब जेल के अंदर होंगे, जस्टिस सरदार शमीम। सीटीडी के आला अफसर ने धमकाया, मुतासरीन के वकील ने अदालत को आगाह कर दिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने वजीर आजम और विफाकी हुकूमत से 7 फरवरी को जवाब तलब कर लिया। सरबरा जीआईटी एजाज शाह और एजाज चौधरी से तफसीली बात हुई। जीआईटी सरबरा ने अफसरान को शामिल तफ्तीश करने का यकीन दिलाया। एनी शाहिदीन के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। मुतासिरा फैमिली को कोई धमकियां नहीं दी गई। वकील बैरिस्टर एहतशाम, कहा खलील के 10 साल बच्चे से शनाख्त कराना मुमकिन नहीं। तहवील में अहलकारों के फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे। भाई जलील कहते हैं इंसाफ न मिला तो जुडिशियल कमीशन जाएंगे, फिर भी इंसाफ न मिला तो सड़कों पर आएंगे। खलील के अहलेखाना से जीआईटी सरबरा की मुलाकात कराई गई। 5 अहलकार जुडिशियल रिमांड पर जेल में हैं। जीआईटी ने सोशल मीडिया की तमाम वीडियोस मंगवा ली। जिशान के मामले पर भी तहकीकात जारी है। तर्जुमान वजीर आला शहबाज गिल की मीडिया से गुफ्तगू, बोले तहकीकात मुकम्मल होने पर सबके सामने लाएंगे। वजीर आजम सानेहा साहिवाल के लवाहिकीन के घर गए और न इनको बुलाया, ये अमर अफसोसनाक है। वजीर आला पंजाब ने भी लवाहिकीन के साथ मुलाकात नहीं की। हमारा मुतालबा है इंसाफ के लिए जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, ये पुलिस और सीटीडी के लिए बेहतर होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरुज्जमान कायरा की मीडिया से गुफ्तगू। नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में ही मुमकिन, बैरून मुल्क भेजने का फैसला नहीं हुआ। मेडिकल बोर्ड के सरबरा प्रोफेसर महमूद अयाज की राय, नवाज शरीफ का दिल ठीक, गुर्दों में मसला सामने आ गया। नवाज शरीफ के बाएं गुर्दे में 3 मिलीमीटर की 2 पथरियों की निशानदेही। गुर्दों की पथरी निकालने के लिए अद्वियात के इस्तेमाल की तजवीज, जराए। नवाज शरीफ के सर्विसेज अस्पताल की न्यू ओपीडी में अल्ट्रासाउंड और चेस्ट एक्सरे किया गया। अस्पताल जराए का कहना है कि साबिक वजीर आजम के ब्लड टेस्ट नॉर्मल आए हैं, यूरिक एसिड टेस्ट बॉर्डर लाइन पर है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज, मुलाकात करने वालों की आमद का सिलसिला जारी रहा। बेटी मरियम नवाज, सरदार अयाज सादिक और एहसन इकबाल की अस्पताल में नवाज शरीफ से मुलाकातें। डॉक्टर्स नवाज शरीफ की सेहत के मुतालिक परेशान लग रहे हैं, मरियम नवाज का ट्वीट। सरदार अयाज सादिक कहते हैं नवाज शरीफ को जहनी तौर पर टॉर्चर किया जा रहा है। एहसन इकबाल बोले नवाज शरीफ को दिल का मसला है, मेडिकल बोर्ड में एक भी हार्ट स्पेशलिस्ट मौजूद नहीं है। नवाज शरीफ के सारे टेस्ट ठीक, नीयत खराब है, लंदन जाने के लिए बीमार हुए। पूरा मुल्क जानता है नवाज शरीफ को जेल में वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया, तमाम सहूलतें मिल रही हैं। वजीर इत्तला'आत फयाजुल हसन चौहान का अलहमरा में खिताब। पांच फरवरी कश्मीरियों से इजहार यकजहती का दिन, लाहौर समेत मुल्क भर में आज यौम कश्मीर मनाया जाएगा। शहर में तकारीब, सेमिनार, मुजाकरे और रैलियां होंगी। दिन मनाने का मकसद
भारतीय जुल्म और सितम के खिलाफ आवाज बुलंद करना और आलमी बरादरी की तवज्जो मबजूल करवाना है। आज कश्मीरी भाइयों बहनों बच्चों के साथ यौम यकजहती मना रहे हैं। मुश्किलात जबर के बावजूद कश्मीरी अपने हक के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। यौम यकजहती कश्मीर पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का वीडियो पैगाम। पुत्र हटा ते नई विक दे यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर अलहमरा में सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम के लिखे मिली नगमे पर स्टेज ड्रामा पेश किया गया। मुल्क की खातिर जानों का नजराना देने पर पाक फौज को खराज अकीदत पेश किया गया। ड्रामे का अहतमाम अलहमरा आर्ट्स काउंसिल और सूफी तबस्सुम आर्ट अकेडमी ने किया। लाहौर आर्ट्स काउंसिल अलहमरा के जेरे तमाम यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से नुमाइश इफ्तिताह सूबाई वजीर मोहम्मद हाशिम डोगर ने किया। फनपारों में कश्मीरियों की पुरअमन जद्दोजहद को दिखाया गया। सूबाई वजीर हाशिम डोगर कहते हैं मसला कश्मीर को आलमी फोरम पर पुरअमन तरीके से हल करने के ख्वाहिशमंद हैं। यौम कश्मीर की मुनासबत से वादत रोड पर स्कूल के बच्चों की रैली, जमात इस्लामी के जरिए तमाम रैली में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। गवर्नमेंट डेफ ट्रेनिंग कॉलेज गुलबर्ग में यौम कश्मीर की तकरीब भी सजाई गई। प्रिंसिपल कॉलेज शहजाद हारून सदर एपका स्पेशल एजुकेशन की शिरकत। महकमा खजाना पंजाब का सेफ सिटी अथॉरिटीज को इजाफी फंड्स देने से इनकार। अथॉरिटी को तरक्याती बजट से एक पाई नहीं मिलेगी। नामुकम्मल प्रोजेक्ट के लिए अथॉरिटी को एक साल की मोहलत दे दी गई। हुकाम के मुताबिक सेफ सिटी अथॉरिटी अब अपना बजट खुद तख्लीक करेगी। वफाकी वजीर खजाना असद उमर भी सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल के काम के मोतरफ। पंजाब में स्पेशल इकोनॉमिक जोन के हवाले से बड़े फैसले। पंजाब जमीन एक्वायर और दीगर मामलों में आजाद होगा। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल कहते हैं फेडरल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की मंजूरी की शर्त खत्म कर दी गई है। गैस और बिजली कनेक्शंस के अलावा तमाम जिम्मेदारी पंजाब के सपुर्द होगी। जहां का पैसा वहां ही खर्च करने का फैसला। प्रॉपर्टी टैक्स की मद में वसूल रकम का 40% इसी इलाके में खर्च किया जाएगा। मुख्तस रकम से स्ट्रीट लाइट्स, सड़क की मरम्मत और दीगर तरक्याती काम होंगे। 471 फूड बिजनेस ऑपरेटर्स मुख्तलिफ इमराज में मुब्तला निकले। जनवरी 2019 में सूबा भर के फूड वर्कर्स का तिबी मुआयना की रिपोर्ट में इंकिशाफ। 5,882 फूड वर्कर्स के टेस्ट किए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी ने आदाद शुमार जारी कर दिए। जिंदगी में असल चीज जहानत है। जज्बात पर काबू पाने वाले कामयाब जिंदगी गुजारते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर शोहाना मुफ्ती का गवर्नमेंट इन सर्विस ट्रेनिंग कॉलेज फॉर टीचर्स में सेमिनार में लेक्चर। शुरका के सवालों के जवाब भी दिए। और अमेरिकन लास्टर स्कूल का सालाना स्पोर्ट्स गाला। पंजाब फुटबॉल स्टेडियम में रंगारंग तकरीब। कराटे, रस्साकशी और कुश्ती बच्चों ने शानदार परफॉर्मेंस दी।